हेलो एवरीवन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर सनी देओल का रिएक्शन सामने आ गया है। बताएंगे और आपको पूरी अपडेट से रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और हम 2 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि टाइगर 3 अपने पहले दिन कितने करोड़ रुपए कलेक्शन करेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, फिल्म टाइगर 3 का टीजर दुनिया भर में रिलीज हो गया है। इस पर फैंस को काफी खुशी भी हो रही है। आपको बता दें, फिल्म टाइगर 3 10 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। दरअसल आपको बता दें, मेकर्स ने इस फिल्म को धनतेरस के मौके पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इस फिल्म का टोटल बजट 500 करोड़ रुपए के ऊपर बताया जा रहा है और इस फिल्म के टीजर को देखते हुए सभी को ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म 500 करोड़ तो अपने पहले वीकेंड में ही पार कर लेगी। फिल्म को लेकर नई अपडेट की बात करें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और मेकर्स ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि यह फिल्म अपने पहले दिन 80 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी। अभी फिलहाल टाइगर 3 के टीजर के रिलीज होते ही कई अभिनेताओं के रिएक्शन हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले हमें सनी देओल का रिएक्शन देखने को मिला। सनी देओल बातों ही बातों में टाइगर 3 के टीजर की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ सनी देओल ने यह भी कहा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित होने वाली है और यह बॉक्स ऑफिस पर धूम भी मचाएगी। मेरे अंदाज से यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में ही 500 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में कितने करोड़ रुपए कलेक्शन करेगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।